हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्लास 10 मैथमेटिक्स है, जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, और उसका हम एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2 लेके आए हैं। और इस ये जो पार्ट 2 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 के बीच में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो मेरी गारंटी है। और इनमें से मेरे तीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये जो फिगर है, इन दोनों में से कोई एक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था। और एक्चुअली और इसमें से ये जो क्वेश्चन पार्ट टू में आज करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को गौर से और डिटेल्स में देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। आपको थोड़ी लाइटिंग कंडीशन हो सकती है क्योंकि मैं रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि बाहर बहुत नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि लोग इलेक्शन चल रहा है हमारे इधर और उसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सो उसके लिए हम सो सॉरी अभी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं पार्ट 1 में बना चुका हूँ। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं और या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाके। शो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को आपको ना ढंग से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। और फिगर कौन सा हमें बोल रखा है, 10.12। ये हमारा फिगर है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के चारों ओर से टेंजेंट खींचे गए हैं जो कि इसको और चारों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो ए बी होगा, ठीक है, जो ए बी प्लस सी डी है वो किसकी इक्वल है, बी सी प्लस ए डी के इक्वल। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो एक मैं आपको फिर से फिगर बना कर समझा देता हूँ। फिगर बना लो, शायद उतना अच्छा फिगर मैं ना बना पाऊँ लेकिन समझना तो है ही हमें। एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। इसको हमारे ये वाला पॉइंट हमारा आर बोल रखा है, ये सी है, ये डी है, ये एच है, ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है। सो मैंने आपको बोला था आपके पास चैप्टर 10 में दो ही थ्योरम है और इन दोनों थ्योरमों को आपका यूज़ करना है और इन्हीं की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो हमारा थ्योरम 10.2 का शानदार यूज़ हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ हो रहा है। 10.2 क्या कहती है, 10.2 थ्योरम ये कहती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट खींचोगे आप, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि ये चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी, ए पी इक्वल टू ए एच हो जाएगा और डी आर इक्वल टू डी एच हो जाएगा एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट था और ये इनके टेंजेंट है। सो 10.2 तो मैंने थ्योरम प्रूव भी करके समझाया इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। 10.1 और 10.2 आप डिटेल में देख लेना, तभी ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग 10.2 थ्योरम। देखो 10.2 थ्योरम इतना लिख दोगे ना तो बहुत काफ़ी है, बेटर हो जाएगा अगर आप उसका स्टेटमेंट भी लिख दो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए एच होगा, इक्वेशन वन बोल दो, एंड पी बी, पी बी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। सो वो भी हम लिख देते हैं, ठीक, ये भी हो गया। अब सी आर इक्वल टू क्यू सी के इक्वल होगा, ठीक है, ये भी लिख दिया, एंड डी आर इक्वल टू डी एस होगा, तो वो भी हम लिख देते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4th, इसे मान लिया। बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला है, थे फिगर से हमने ऑब्जर्व करके ये लिख दी।
हमें क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी प्लस सी डी हैं वो किसके इक्वल हैं, ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। या फिर आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ये लेफ्ट हैंड भी इक्वल सॉल्व कर लो, राइट भी सॉल्व कर लो, दोनों के इक्वल दिखा दो, एक तरीका ये है। या फिर आप एल एच एस लेके चलो और आप आर एच एस दिखा दो, ये भी एक तरीका है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग एल एच एस, मैं लेफ्ट हैंड लेके चलूँगा और राइट हैंड प्रूफ कर दूँगा, टेकिंग एल एच एस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी डी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए बी हमारा ये है, बोलो तो ए बी, ए बी क्या वो कैसा होगा, ए पी प्लस पी बी होगा, इन दो टुकड़ों को आप जोड़ोगे तभी तो आपको ए बी मिलेगा ना। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए पी प्लस पी बी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सी डी हमारे पास क्या है, सी डी हमारे पास क्या है, देखो सी डी सी आर प्लस आर डी, सी डी ना, सी आर प्लस आर डी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकूँगा, अब इन वैल्यूज़ को सबको चेंज करना है। देखो ए पी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए एस, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्यों वैल्यू पुट अप कर रहे हो। पी बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी क्यू। सी आर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू सी। एंड आर डी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, डी एस। रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मेरे को प्रूफ करना है ए डी इस तरफ और प्लस बी सी चाहिए। ए डी, ए डी कब आएगा, जब ये ए डी है ना, ए डी कब आएगा, जब ए एस और डी एस को मैं जोड़ूँगा तभी ए डी आएगा। तो इनको साथ में लिखो, ए एस और एस डी ढूंढना है आपको, ए एस और एस डी, इसको साथ में रखो और बाकी दो को एक साथ रखो, बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। ए एस प्लस एस डी किसके इक्वल है, ए एस प्लस एस डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। एंड बी क्यू प्लस क्यू सी किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस क्यू सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल आएगा, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूफ। ये लेके चले थे, ये आ गया, सो बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया, है कि नहीं। सो वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और कमेंट भी क्या करा करो सर, जो भी आपको फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताना, बुरा लग रहा है तो बुरा बताना, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहे इन फिगर नंबर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, देखो एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश ये वाई डैश है, ठीक है। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं सर्कल के, ओके, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर हमारा ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, जो हमारा दूसरा टेंजेंट ए बी है, ये जो ए बी है टच करते हुए जा रहा है, विद पॉइंट कॉन्टैक्ट सी, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, सी है, इंटरसेक्टिंग एट एक्स वाई, एक्स वाई को, एक्स वाई को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड एक्स डैश वाई को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, एट बी, ठीक है, बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ और इधर कर रहा है ए पॉइंट पर। प्रूफ दैट ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है इसको हमें क्या प्रूफ करना है, 90, मतलब इस वाले एंगल को मुझे क्या शो करना है, 90, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, ध्यान रखना क्या कंस्ट्रक्शन करना है, मीट ओ टू सी, यही एकमात्र कंस्ट्रक्शन हमें करना है, मीट ओ टू सी, क्लियर। ये हमारा जो ओ टू सी जब हम मीट करेंगे, सो आपके माइंड में क्लिक क्या करना चाहिए कि 10.1 थ्योरम क्लिक करना चाहिए। 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम कोई टेंजेंट खींचें, ठीक है, सर्कल से कोई टेंजेंट खींचे और उसको सेंटर से उस पॉइंट को अगर हम मीट कराते हो तो वहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, 90 एंगल, ये बोलता है हमारा 10.1 थ्योरम, ठीक है। ये टच करती है वही, ये सेंटर है, इसको इसको मीट कराएं तो यहाँ पर किधर कितना बनेगा, इधर 90 बनेगा, तो और इधर भी क्या बनेगा, 90। अब हमें
दिखने में तो बहुत सिंपल चीज़ लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है यहाँ पर। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ना कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, और फिर सीपीसीटी से बोलना पड़ेगा कि जो हमारा एंगल है ना POA और जो हमारा एंगल है AOC वो आपस में क्या है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली आपको ये जो COB है ना और ये जो BOQ है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एंगल का, उसे आपको इक्वल दिखाना है, फिर आगे जाके प्रोसीज करना है, ठीक है। मैं स्टेप वाइज कराऊंगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना, O को C से मीट करना है, 10.1 थ्योरम का यूज़ करना है, उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और फिर CPCT हमें लगाना है। तो स्टेप वाइज करते हैं क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीट O2C को हमने मीट कर दिया था, ओके। देन बाय 10.1 थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये जो OC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, AB पर। दैट इज़ इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो OCA एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, एंड जो हमारा OCB एंगल है वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब क्या है, हम ट्राइंगल लेंगे APO एंड AOC। इन ट्राइंगल APO एंड AOC, ठीक है। इन दो ट्राइंगल पे हम बात करेंगे और इनको हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल पे आ जाऊँ, सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर तो चलो 90 है, यहाँ पर भी तो 90 होगा एंगल P पे, क्यों, यहाँ पर भी तो 10.1 थ्योरम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये भी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी तो हमारा सेंटर है, इसको जब मीट कराओगे तो यहाँ पर भी 90 होगा। सो देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट के सही से लिखते हैं, जिस भी एंगल को हमें दिखाना होता है वो हमेशा बीच में रहता है, यानी कि APO एंगल का साइन APO किसकी इक्वल होगा, OCA एंगल OCA, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ओके। उसके बाद ये चीज़ तो हो गई, अब दोनों में देखो एंगल तो मैं दिखा दिया, अब ये बात करो दोनों ही ट्राइंगल में क्या आएगा, OA आएगा, यहाँ लिख दो OA इक्वल टू OA, क्योंकि ये कॉमन लेंथ है, ठीक है, कॉमन हो गया। उसके बाद देखो PO इक्वल टू OC, PO इक्वल टू OC मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के। सो RHS प्रॉपर्टीज है, बाई RHS जो प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOC के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड सारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखो PO इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के क्या दिखाना है, इक्वल, यानी कि जो हमारा एंगल POA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC। हमेशा एंगल को बीच में लिखते हैं, ध्यान रखना, इसे आप इक्वेशन नंबर A मान लो, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इतना हो गया, आया समझ में, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में इसके। अब दूसरा लेना है ट्राइंगल, कौन सा ले लो, ये वाला COB, इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल कौन सा ले लो, BOQ,
इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे हम। जब हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सो फिर से वही देखो क्या है, देखो इन दो ट्रायंगल में कॉमन सबसे पहले ओ बी तो दोनों में है, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ बी, वाई बिकॉज कॉमन लेंथ है दोनों का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है एंगल, यहाँ पर 90 बनेगा, ओ सी बी, ओ सी बी एंगल किसके इक्वल है, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ओ सी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू है क्यों, दोनों ही रेडियस हैं। फिर से सो बाय आर एच एस, आर एच एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ क्यू के, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। सो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देखो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ उसको इक्वल दिखा दूंगा मैं, इस एंगल को क्या दिखा दूंगा इक्वल। सो एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इक्वल हो जाएगा किसके, बी ओ क्यू के, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ओके। जो हमें बताना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो होगा, हमें एक बार फिर से मैं रिमेम्बर कर देता हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए ओ बी, ए ओ बी को हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है। सो देखो ए ओ बी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए ओ बी, ए ओ सी, देखो ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो कहने का मतलब है हम इसका मतलब ये हो, ठीक है, इसका मतलब ये हो, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 6 नंबर में आ सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आप जानते हो, वी नो कि एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है टोटल, उसका सम कितना होता है, 180। अगर ये स्ट्रेट लाइन बात की जाए, इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू है, वो उसमें कितना होगा, 180 होगा। और दिस कैन बी रिटन एज एंगल के फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, पी ओ ए एंगल, पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस सी ओ बी, ठीक है ना, ये सारे एंगल, क्योंकि ये पूरा टोटल एंगल देगा ना, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, पी ओ ए, ए ओ सी, सी ओ बी, अब क्या होगा, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, टोटल कितना होगा, 180। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें बस ए ओ सी और सी ओ बी चाहिए, ए ओ सी और सी ओ बी चाहिए, यानी कि मुझे इसकी और इसकी जगह पे वैल्यू पुट अप करनी है, कर दो फ्रॉम ए एंड बी, वैल्यू रख सकते हैं ना, बी ओ क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, सी ओ बी, यहाँ पे मैं सी ओ बी रख दूँगा, और पी ओ ए की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए ओ सी, सो रख देता हूँ ए ओ सी, रख दिया मैंने किसके जगह पर, पी ओ की जगह पर, यहाँ पर ए ओ सी रखा, पहले से ऑलरेडी ए ओ सी है, यहाँ पर भी सी ओ बी रखना है हमें, और इसकी जगह पर भी क्या जाएगा, सी ओ बी, इधर क्या है, 180। तो ये कितनी बार है, दो बार, सो ट्वाइस बाहर निकाल लो, अंदर क्या जाएगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इधर 180, 90, एंड ए ओ सी प्लस सी ओ बी किसके इक्वल है, ए ओ बी, ये कितना है, 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ्ड।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। सो एक बार इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखो तभी आपको समझ में आ जाएगा बेटर। अभी एक बार आपने किया ना, एक बार देख लो और फिर आप क्वेश्चन को खुद ब खुद प्रैक्टिस साइज करोगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। जितना आपको पढ़ने में टफ लग रहा है उतना ही ये सिंपल है। ठीक है, ये कह क्या रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक हमारे पास एक्सटर्नल एक पॉइंट है। उससे अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये दो टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ कर दिया ड्रॉ, सो जो एंगल ऑफ सस्पेंशन बन रहा है सेंटर पर, यहाँ पर, ठीक, वो हमें क्या बताना है कि वो कितना 180 है। सप्लीमेंट्री बोला है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 होता है। कि जो एंगल हमारा बनेगा आमने सामने का, ठीक है, वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ये और इसका जो सम हमें बताना है वो कितना बताना है, 180 बताना है। सो नेम दे दो इसको, मैंने बोल देता हूँ ओ, ये हमारा ए है, इसे एक्सटर्नल पॉइंट को पी बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आराम से हो गया हमारे पास, ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो हम जानते हैं बाय यूजिंग 10.1 थ्योरम ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये वाला एंगल पे कितना होगा 90। अरे जब ये और ये एंगल 90 हो गए तो ये वैसे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, 1, 2, 3, 4 भुज हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। सो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम तो 360 होता है, ये और ये 180 है, तो 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 तो बचेगा, और यही तो प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल नहीं है, बताओ तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, अब प्रॉपर वे में लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना दिखाना है, 180। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 होता है, उन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये चीज़ हो गई। अब क्या लिखना है, यूजिंग 10.1 थ्योरम, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर स्टेटमेंट भी लिख दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जो हमारा एंगल ए होगा, इन शॉर्ट एंगल ए को हम क्या बोलेंगे, बी ए ओ, वो कितना होगा, 90 होगा। एंड जो हमारा एंगल ओ बी पी होगा वो भी कितना होगा, 90 होगा। जहाँ ज़रूरत पड़े हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये ए ओ बी पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सिंस ए ओ बी पी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो हम यहाँ पर क्या लगाना चाहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल पी है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल ओ है, इन सब का सम कितना होगा, 360। एंगल ए पे 90 डिग्री है, एंगल पी चाहिए हमें, एंगल बी पे भी 90 डिग्री है और एंगल ओ हमें चाहिए। ठीक है, इसको इसको मतलब क्या है, इसका मतलब है इन शॉर्ट एंगल ओ, इसका मतलब है इन शॉर्ट एंगल पी, यही तो हमें 180 प्रूफ करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक वैल्यूज पुट अप कर दिया हमने, ए एंगल हमारा 90 था, बी एंगल हमारा 90 था, हमने रख दिया। एंड 90 कितना होता है भाई, 180, 180। और यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360।
सो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस के 180, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंड एंगल पी प्लस एंगल ओ इसको टू 180। तो यही तो प्रूफ करना था कि इनका जो एंगल का सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल है, जितना पढ़ने में लग रहा था उससे तो कहीं ज़्यादा सिंपल है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरम पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। थ्योरम ही है सब कुछ एक्चुअली। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरम बेस्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, हमें बोलना है कि सर्कल के चारों ओर जो एक पैरेललोग्राम होता है वो एक रोम्बस फॉर्म करता है। और रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि हमारा मेन टारगेट होगा कि चारों लेंथों को इक्वल दिखाना है। ठीक, सो फिगर बनाते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, ये पैरेललोग्राम है जो आपस में पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक, सपोज़ करो ये हमारा सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। टचिंग कर रहा है हमें, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये हमारा है, एक एक पॉइंट इसको नाम दे दो। हम बोलते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम बोला तो। यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। और हमें शो करना है कि ये अगर एक सर्कल के चारों ओर कोई पैरेललोग्राम होता है तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअली क्या है, रोम्बस होता है। यानी कि हमें शो करना है टू प्रूफ ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। हमें क्या बताना है कि ए बी सी डी अगर रोम्बस है, वी नीड टू शो ओनली क्या शो करना है हमें, ओनली कि ये चारों लेंथ आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है सी डी के, और वो इक्वल है ए डी के। ये चारों चीज़ हमें अगर इक्वल दिखा देते हैं तो जो बात हमें हमसे क्वेश्चन करवाना चाहता वो हम अब कर देंगे, कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ हमें इक्वल दिखानी है। क्वेश्चन है समझ में। अब आ जाते हैं मेन चीज़, कंस्ट्रक्शन पर। क्या कंस्ट्रक्शन करना है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले क्या करो, ए को सी से मीट कराओ। ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक्चुअली ये रेडियस भी है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस होती है। और इसे भी, ये भी तो रेडियस है भाई, क्यों, ये भी तो रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। अब आपके मन में एक थ्योरम क्लिक कर रहा होगा 10.1, अरे सर जब आप सर्कल से ये चीज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ड्रॉ कर रहे हो तो वो 10.1 थ्योरम क्या कह रही थी हमें, कि यहाँ पर तो भैया 90 बनेगा, बना दे रहे हैं, और यहाँ पर भैया कितने बनेगा, 90 बनेगा, वो भी हमने बना दिया। क्लियर, ये बना दिया अभी हमने। ओके, सो जो चीज़ आपने की है उसको लिख दो। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके लिख देना। स्टेप वन में हमने क्या किया, मीट ए टू सी, ये काम किया। एंड हमारे पास यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये जो एंगल ए पी ओ है, एंगल ए पी ओ वो कितना होगा, 90 डिग्री। एंड एंगल ओ क्यू सी वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों भाई, 10.1 थ्योरम। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 हमने लिख दिया। ओके, अब देखते हैं और चीज़, हमें हर चीज़ को फॉलो भी करना है। अब हमारे पास और क्या है भाई, 10.2 थ्योरम।
और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास वो भी तो देखो। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंशन डाला गया है भाई, देख नहीं रहा आपको। तो ए पी इक्वल टू किसके होगा, ए एस। बी पी इक्वल टू किसके होगा, बी क्यू। सी क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर। एंड डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस। इसका भी यूज़ करना पड़ सकता है क्या पता, तो लिख लेते हैं अभी हम। यानी कि ए पी किसके इक्वल है, ए एस। फिर बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू। फिर सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर। एंड डी आर किसके इक्वल है, डी एस। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक। ओके, अब आ जाओ मेन चीज़, जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए पी ओ एंड ओ क्यू सी, वहाँ आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी, इन दो चीज़ों में आ गए, ठीक है। अब देखो, जब भी 90 डिग्री दिखे तो आपको क्या लगाना होता है, आर एच एस। देखो जो ओ पी है वो ओ की के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। ये भी इसका रेडियस है, सर्कल का ये भी इसका रेडियस है। सो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्यों बोथ आर रेडियस, रेडियस सर्कल के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो चलो ठीक है। उसके बाद जो ओ ए पी हैं, ओ ए पी हैं और जो है ओ सी क्यू है, वो भी इक्वल है, ठीक है। क्या है देखो, वो भी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। अब मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपका इसका रीज़न भी दूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू ओ सी क्यू, क्योंकि देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको जब हमने मीट किया है तो ये जो लाइन गई है इस एंग, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया दोनों एंगल को, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम था। ओके, इस वजह से इसने इसको क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या थी, पैरेललोग्राम थी। इस वजह से इसका बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट एंगल, दोनों के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये लगा दिया। और अभी हम क्या करके आए हैं, ये वाला 90 है और ये वाला भी तो 90 है, दोनों में ए पी ओ किसके इक्वल है, ओ क्यू सी के। तो हम लिख देंगे ओ पी ए इक्वल किसके हैं, ओ क्यू सी के, क्यों दोनों ही 90 डिग्री हैं, ठीक है। सो देखो प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ कौन सी प्रॉपर्टीज है, एस ए ए से, ए ए एस, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे, सुबाई सी पी सी टी। सो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं। यानी कि ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू सी के इक्वल हो जाएगा, ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू सी के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ए पी इक्वल टू क्या हो गया, सी क्यू। अच्छा ठीक है, मेरा टारगेट है कि मुझे दिखाना है कि ए बी इक्वल टू किसके आ जाए, बी सी के आ जाए, ठीक है। सो मैं उसके लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ बी क्यू ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, दोनों तरफ बी पी बी क्यू ऐड कर दिया, इधर भी बी क्यू ऐड किया और इधर भी बी क्यू ऐड किया। तो देखो बी क्यू क्यू सी तो मेरे को बी सी देगा, इस तरफ तो कोई चेंज मैं नहीं कर रहा बी सी, लेकिन ए पी प्लस बी क्यू थोड़ी ना मेरे को ए बी दे देगा। अगर यहाँ पर बी पी आ जाता तो बात बन जाती है ना, अगर मैं बी क्यू की जगह बी पी लिखता तो बात बन जाती। बी क्यू की जगह मैं बी पी रख सकता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास ये है, देखो बी क्यू किसके इक्वल है, बी पी के,
सो मैं बी की जगह पे बी क्यू रख सकता हूँ, रख दिया। और ए पी प्लस बी बी किसके इक्वल है, आगे ए पी प्लस बी बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। सो हमारा हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी इज़ टू बी सी। सो जो ये वाला साइड हम इसके इक्वल दिखा चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही दोबारा से कंस्ट्रक्शन करो, इधर कर लो, ऐसे ही जब आप चार बार करोगे ना तब आप दिखा पाओगे। अब इसको और इस वाले को लेके चलना, फिर इस वाले इसको लेके चलना, यानी कि ऐसे अगर हम तीन बार और करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो जैसे हमने एक बार किया वैसे हमें तीन बार और करना है, तो हम तीन बार और नहीं करेंगे। सो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, अब तीन बार और मत करने लग जाना आप, उससे तो आपका पेपर इन सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक घंटा तो इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या लिख दोगे कि ए डी इज़ टू ए बी, फिर क्या लिख दोगे बी सी इक्वल टू सी डी। देयर फोर हमें टोटल क्या मिल जाएगा, सारे को जब इक्वल करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल आती रहेगी तो सब चीज़ आपस में इक्वल हो जाएंगे, सब चीज़ इक्वल आपस में हो जाएगी, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो आया समझ में आपको, मेन चीज़ थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये 10.2 जो मैं पार्ट टू डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, रिपीट कर लेना क्वेश्चंस को एक बार, ओके। अब लास्ट के टू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड वालों का, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट समझते हैं ना, फेवरेट मतलब हर बार डाल देते हैं, हर दूसरे साल में डाल देंगे, मतलब रिपीट होता रहता, आज इस साल भी आया था, उससे अगले साल भी आया था, एक बीच में एक आध बारी गैप करते हैं, और ये तो लगभग डालते ही रहते हैं हर बार। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सच दैट, हमें क्या बोल रहे हैं, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इन टू विच बी सी इज डिवाइड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ 8 सेंटीमीटर का है, एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये 8 का है, ये 6 का है, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, हमें ये साइड और ये साइड फाइंड करना है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हम। और जो हाइट बोला है ना, ये जो रेडियस हमारा वो कितना है, 4 है, चलो 4 ड्रॉ कर दिया। अब मैं थोड़ा किताब में ही थोड़ा हौच पौच करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हौच पौच क्या करने वाला हूँ ये देखो, सबसे पहले आपको काम करना है कि इसको इससे मीट कर देना है, सीधी बनेगी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये बन गया। अब ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको ये हाइट कितनी होगी, ये भी रेडियस से 4 होगी, ये हाइट कितनी होगी, ये भी 4 होगी। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, लेंथी भी है थोड़ा, इससे इसको मीट करना है। सो जब आप देखोगे तो ये वाला एक ट्राइंगल बना, ये वाला एक ट्राइंगल बना, और ये वाला एक ट्राइंगल बना, 3 ट्राइंगल बने। अगर इन तीनों ट्राइंगल को हम सेपरेट एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं तो बड़े वाला ट्राइंगल बन जाएगा, एंड तीनों छोटे ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, बड़े वाले ट्राइंगल के, होगा कि नहीं, जो बिल्कुल होगा। और इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है, और यहाँ पर हमको एक नहीं दो दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से, एक हीरोइन का फार्मूला जो हमने क्लास 9th में सीखा था, और एक फार्मूला हम जानते हैं
वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हाइट हमें पता ही है, ये भी फोर है, ये भी फोर है, हाइट तो फोर है, इसका बेस पता है। अब देखो मज़े की बात है, यहाँ 10.2 थ्योरम का बेहतरीन यूज़ होगा। एक्सटर्नल पॉइंट भी है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई पॉइंट, इसको ये डी दे रखा है तो ये डी ई, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं एफ, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो ये भी तो भाई 8 होगा, और ये अगर 6 है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 6, ठीक है। अब ये डिस्टेंस नहीं पता, इन्होंने नहीं बोला, लेट ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स बाय 10.2 थ्योरम, ठीक है। इफ ए इज एक्स देन एफ इज ऑल्सो एक्स, ठीक है। सो ये चीज़ आप लिख लोगे कंस्ट्रक्शन में, इतना आप ज़रूर कर लोगे मुझे पता है। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, क्या करना है देखिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। सो हमारे पास क्या है देखो, साइड्स हमारे पास क्या है, सिंस जो हमारे पास बी एफ है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, जो हमारे पास सी ई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेट हमने क्या कर लेते हैं कि जो हमारा ए एफ है वो कितना है एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम ए बी सी साइड बोल लेते हैं, ठीक, ए बी सी साइड बोल लेते हैं, ये इसको पूरा ए बोल दो, इसको पूरा बी बोल दो, और इसको पूरा सी बोल दो। सो ए क्या मान लेते हैं 8 और 6, ए हमारा हो जाएगा 8 और 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर, बी हमारा हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड तो अगला हो जाएगा 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। सिंस जो हीरोइन के फॉर्मूले में एस चाहिए होता है वो क्या होता है, तीनों साइडों को ऐड करते हैं और उसका हाफ करते हैं, एस निकालना, कर लो इतना काम, 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स प्लस 14 बाई 2, तो जब ऐड करेंगे तो एक्स और एक्स 2x, 8 और 6 14, 14 28, 2 कॉमन है, एक्स प्लस 14 आ जाएगा नीचे से 2, 2 से 2 कैंसिल, सो एस कितना आ जाएगा एक्स प्लस 14, ठीक है, एस कितना आ गया ये चीज़। अब हमें क्या फाइंड करनी होती है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूले में ये सब चाहिए होता है। सो एस कितना है हमारे पास एक्स प्लस 14, और ए हमारे पास कितना था 14, सो ये कितना आ गया एक्स, क्या माइनस करना है हमें, अब की बार 8 प्लस एक्स कर लो, सो एक्स में से एक्स गया कैंसिल, 14 में से 8 गया 6, और ये कितना जाएगा 8, तो 6 8 और एक्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो एरिया होगा वो फार्मूला क्या होता है, हीरोइन के फार्मूले से ये होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू रखेंगे हम तो एस एस क्या है हमारे पास एक्स प्लस 14, एस माइनस ए क्या था हमारे पास एक्स, ये था 6 और ये था 8, रख दिया हमने। अब देखो ये चीज़ है 8 × 48 एक्स 48x, और यहाँ क्या है एक्स प्लस 14, यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हैं, 48 को मैं सकता हूँ 16 × 3 एक्स, 16 × 48, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बाहर 4, अंदर क्या बचा 3x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। इसे यहाँ तक रहने दो, इक्वेशन नंबर इसको क्या माने, इसे मान लेते हैं 1। तो हमने अभी
किसका निकाला? बड़े वाले ए बी सी का निकाला, क्योंकि अगर हमें साइड निकालना है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेगी तभी तो ये साइड निकलेगा। 8 प्लस एक्स हमारा ए बी है एंड 8 और 6 प्लस एक्स हमारा ए सी है। तो जब तक एक्स नहीं निकालते तब तक कुछ नहीं निकलेगा, आंसर नहीं निकलेगा। सो उसी के लिए सब करना पड़ रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस छोटे पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस छोटे पार्ट का एरिया निकालेंगे, तीनों एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। आई बस उनमें आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। जानते हैं ये फॉर्मूला, सभी जानते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब हम निकालेंगे एरिया इस पार्ट का ए सी ओ का। तो देखो जो हमें निकालना है ए ओ सी, तो बेस हमारे क्या हैं, एक्स प्लस 6 और हाइट हमारी क्या है, 4 है। ठीक है, एरिया किस ट्रायंगल का, ए ओ सी का, 1/2, बेस कितना हमारा 6 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यही रहना, तो ज़्यादा मत करूँ। ए पार्ट मान लो, फिर निकालो एरिया ट्राइंगल सी ओ बी का, वही 1/2, बेस कितना आपके पास 6 और 8 14, हाइट कितनी है 4, 14 × 4 2 14 × 2 28। ठीक, नेक्स्ट पार्ट बच रहा है जो एरिया किस ट्राइंगल का, बी ओ ए का, और हमारे पास हाइट तो 4 है और बेस क्या हो जाएगा 8 + x। बेस हमारे पास कितना है 8 + x और हाइट कितनी है 4, सो ये आ जाएगा 2 8 + x सी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरा क्या होगा, देखो इतने पार्ट को जब जोड़ेंगे तो तीनों मिलेगा, टोटल ए बी सी मिल जाएगा। सो यानी कि सी बी और ए को क्या करना है, हमें ऐड करना है ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए। ऐड कर देंगे, सो 2 6 + x 28, 2 8 + x ऐड करो, सो यहाँ से आ जाएगा 12, 2x 28, 8 × 16 + 2x, सो कितना आ रहा है यहाँ से, देखो 28 और 2 30। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये तो 2x है, 28 और 12 30 40 और 16 56 56, 2x। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 28 + x 2 × 4 2 8 = 16। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 2। देखो ये भी एरिया किसका है, ए बी सी का है, और ये भी एरिया किसका था, ए बी सी का था। सो इक्वेशन 1 और 2 की हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों का इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। सो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक तरफ हमारा क्या आया था, इक्वेशन 2 हमारी आई थी 2 28 + x एंड दूसरा मिल रहा था हमें ये चीज, बाहर 4 था अंदर था 3x × x + 14। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास, ओके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, यहाँ से आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा 20x का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 16, और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 28x का होल स्क्वायर, और 3x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर, 14 का 14 14 28 42, 42x। इधर खोलना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab यानी कि 56x। ठीक है, इसको स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, 28 का स्क्वायर है, सो इसे खोलेंगे तो आ जाएगा 1 बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बाद में गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वो हम लिख दे रहे हैं, 3x स्क्वायर 42x ठीक है, यहाँ से x² माइनस के इधर आ गया, फिर माइनस के 28x माइनस के 196। इस चीज़ को छोड़ूँ, जो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख दे रहा हूँ तुरंत, थोड़ा सॉल्व कर लेना, 7x माइनस के 98 आएगा, ये इक्वेशन आएगी। कैसे इसको सॉल्व करना देखना, दोनों तरफ से फिर कॉमन भी आएगा, सारा चीज लोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इससे पहले जो इक्वेशन आएगा वो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, नहीं तो आपके मन में कन्फ्यूज़न आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 28 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 56x है। ठीक है, इन सबको एक तरफ ले आना तो जो सॉल्व करने पे आएगा 2x स्क्वायर बचेगा, 14x आएगा एंड 196 आएगा, ये आएगा सॉल्व करने पर। इसको उधर ले जाओगे, 3x स्क्वायर में से x² जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओगे तो ये बचेगा 14x, और ये इधर जाएगा सॉल्व होकर ये देगा। अब टू दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 2x² 2 7 14 एंड 2 9 18 2 8 16, 2 इधर अपॉन में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही दो नंबर लेने, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 98 आता हो और माइनस करें तो 7, तो क्या होगा, 14 7 98, 14 × 7 98 आता है, और 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आता है, तो यह आ जाएगा 14x - 7x 98। पेयर बन गया, इस पेयर से x कॉमन x + 14, इस पेयर से 7 कॉमन 14, माइनस है बाहर माइनस है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, =0। जो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं, जो आपने कॉमन निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं, यहाँ से x और यहाँ से -7। अब इसको 0 रखना है और इसको 0 रखना है। देखो, इफ़ x + 14 = 0, सो x = -14, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, सो ये तो कट हो जाएगा, अनवैलिड वैल्यू है। फिर क्या लिखोगे, इफ़ x - 7 = 0, सो माइनस के 7 इधर हो जाएगा प्लस के 7, सो ये एक्सेप्टेबल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना था, ए बी हमारे पास क्या था, x + 6, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 + 6 यानी कि 13। फिर हमें क्या फाइंड करना था, ए बी ये हमने ए सी फाइंड कर दिया, एंड ए बी क्या था हमारे पास, x + 8 यानी कि 7 + 8 यानी कि 15 आंसर।
दिस इज रिक्वायर्ड मेजरमेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड मेजरमेंट आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी ट्राइंगल की। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सरस्क्रम्बरिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड सॉरी गाइस, कुछ वर्ड्स होते हैं जो उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, उनमें से यही एक वर्ड है। ठीक है, सो समझ रहे हो किसका मतलब क्या है। तो ये कहना क्या चाहता है मैं आपको बता रहा हूँ, और हमें प्रूफ क्या करना है, सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है और क्वेश्चन क्या कह रही है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कह रहे हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के चारों ओर से खींच के बनाया गया है। ये हमारा सर्कल है, इसको टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ऐसा। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, समझ रहे होंगे। ये सर्कल है, ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है और ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं पी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं एम, इसको नाम दे दिया एन और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सपोज करो जो एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, लेट जो एंगल ए बन रहा है वो मैंने बोल दिया 12 बन रहा है, एंगल बी जो बन रहा है वो बन रहा है 2 बीटा, एंगल सी जो बन रहा है वो बन रहा है 2 गामा, एंड एंगल जो डी बन रहा है वो बन रहा है 2 सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमारा सेंटर है, ये इसके बीचों बीच से जा रहा है। ठीक है, ये इसके बीचों बीच से आ रहा है, ये इसके बीचों बीच से जा रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को। ठीक है, ये चीज़ें, और ये पॉइंट हमारे क्या है, ओ है। क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब देखो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा ये चीज़, इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो हमें पता तो चल रहा है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा और हमें प्रूफ क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो ये एंगल्स हैं, ठीक है, सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। कह रहे हैं प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है, ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है, यानी कि हमें शो ये करना है इसका जो सम है, जो सेंटर पर बनाती है ना, जो आमने सामने का लेंथ का जो आपस में इक्वल होगा, इनका जो सम है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये कितनी है, 180 है। यानी कि टू प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ए ओ बी है प्लस सी ओ डी है वो क्या है, 180 होगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक, ऐसे में हमें प्रूफ क्या करना है कि सर्कल के चारों ओर जो क्वाड्रेटल होता है और उसको जब आप करते हो, जो कि सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो, और उसके आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उनका जो वो जो होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है।
ये हमें शो करना है। ठीक, अब मेन चीज़ ये आती है कि ये तो हमने लेट कर लिया कि टू अल्फा है, टू बीटा है, टू गामा है, टू सिग्मा है, लेकिन ये अल्फा आएगा तो उसको आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको मीट किया, यहाँ से मैंने इसको मीट किया, कर दिया मीट। करोगे तो अब अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम ये यहाँ पर क्या बनेगा, 90, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90, लिख देना बाई 10.1 थ्योरम। सो एंगल ओ एम ए कितना होगा 90 डिग्री, एंड एंगल ओ एन ए वो भी कितना होगा 90 डिग्री। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा इन दोनों ट्रायंगलों को, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा कि ये ट्रायंगल इस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ओ एन ए एंड ट्रायंगल ओ एम ए। सबसे पहली बात देखो, ओ ए दोनों में है, ओ ए इसका स्ट्रोक ओ ए, क्यों, क्योंकि कॉमन लेंथ है दोनों का। ठीक है, कॉमन हो गया, ओके। उसके बाद देखो ये जो एंगल है ये तो कॉमन है दोनों में, और ये जो है ओ एन, ओ एन इक्वल टू ओ एम है, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के। ठीक है, और उसके बाद ओ एन ए, ओ एन ए इक्वल टू है एंगल ओ एम ए, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, अभी हमने देखा था, बोला था। सो बाई आर एच एस, ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ एन ए कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल ओ एम ए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग हर एक चीज़ आपस में इक्वल होती है, दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो, यानी कि ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, और टोटल कितने 12 हैं तो इतना इसको भी अल्फा होना पड़ेगा और इसको भी अल्फा होना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल एन ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए एम, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल एन ए ओ एंगल ओ ए एम वो हो जाएगा 2 अल्फा का हाफ, यानी कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एन ए ओ इक्वल टू ओ ए एम, ये क्या हो जाएंगे अल्फा। सिमिलरली बाकी को भी आप दिखा सकते हो कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली बोल के ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी गामा होगा, ये भी गामा होगा, ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा। ठीक, सो अल्फा तो दिखा दिया था, उसी तरीके से ये अल्फा होगा, ये अल्फा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये वाला गामा होगा, ये वाला गामा होगा, और ये वाला सिग्मा होगा, ये वाला सिग्मा होगा। तो आप लिख भी दो इस चीज़ को। ठीक है, मैंने बोला तो आपको पता तो चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, करके दिखाना होगा। ठीक है, सिमिलरली बोला और बाकी एंगल्स भी हमारे वही हो जाएंगे, यानी कि अल्फा ये है तो जो ओ बी ए होगा किसके इक्वल होगा, ओ बी सी, ये क्या हो जाएंगे बीटा के, फिर एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये हो जाएगा गामा के, फिर एंगल ओ डी ए एंगल ओ डी सी, ये हो जाएगा सिग्मा के। ठीक है, एंगल रोटेशन अच्छी तरीके से दिखाएं, ओ सी डी ओ सी बी, ये सारे क्या हैं, गामा है, वही सब चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, आपस में सब आपस में इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके हैं, और ये तो हमने प्रूफ किए हैं। ठीक है, सब आपस में इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, और ये चीज़ इसके इक्वल है। ओके, अब आ जाते हैं ट्राइंगल ए ओ बी में,
कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ए ओ पी में, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैं डायरेक्ट इसको, मैं अल्फा, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है ना, याद रखना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? ए ओ बी। ये किसके इक्वल होगा? 180, ठीक है। और यानी कि जो ए ओ बी होगा वो होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसे बोल देते हैं मैं इक्वेशन नंबर ए। उसी के बाद मैं अगर बात करूं, ए ओ बी चाहिए मेरे को, चाहिए फिर डी ओ सी भी चाहिए, तो अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल डी ओ सी में। इन ट्रायंगल डी ओ सी, फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तो इधर तो क्या है भैया, इधर इस ये वाला एंगल हमारा गामा है और ये वाला एंगल सिग्मा है। सो गामा प्लस सिग्मा प्लस डी ओ सी, ये कितना होगा? 180। तो डी ओ सी क्या आ जाएगा? 180। ये प्लस के अंदर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एंगल बी, इसी क्वेश्चन बी बोल दिया हमने। अब जो हमें प्रूफ करना था स्टार्टिंग में, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। सो एडिंग क्या कर दो? एडिंग ए एंड बी कर दो। सो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में। 180 180 क्या हो जाएगा? 360। दोनों में माइनस है, माइनस लगा लो और अंतर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा सिग्मा, ठीक है। ये माइनस इसमें भी है, ये माइनस में भी माइनस लगाया और बीच में ये तो ऐड हो गया। लेकिन हमें तो इसको 180 प्रूफ करना था, यानी कि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करने भी बाकी हैं। तो इसे अब इक्वेशन सी मान लो, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स में। अब इसको कैसे निकालें? दिक्कत आ रही होगी आपको, सिंस क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? 360। एंगल ए हमारा क्या है? 2 अल्फा। एंगल बी हमारा क्या है? 2 बीटा। एंगल सी हमारा क्या है? 2 गामा। और एंगल डी क्या है हमारा? 2 सिग्मा। 360, 2 कॉमन है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा बचेगा, 2 2 डिवाइड हो जा रहा है। 360, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, अल्फा बीटा गामा सिग्मा 360 बाई 2। 2 1 2 2 2 16 0, 180 आ गया। यानी अल्फा बीटा गामा सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 180। अब इसकी वैल्यू जो हमें नहीं पता थी वो भी मिल चुकी है। इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर सी में पुट अप कर दो। फ्रॉम सी, ए ओ बी प्लस डी ओ सी 360, और इसकी वैल्यू भी कितनी निकली है हमारे पास? 180। तो ये कितना आ गया? 180। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता था। 180 प्रूफ कर दिया हमने आराम से। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स की, उनको ज़रूर देखो, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बिल्कुल